हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टैली में मास्टर के बारे में, कि टैली में मास्टर का यूज होता क्या है, मास्टर के कितने टाइप्स हैं और किस मास्टर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले और सीखने वाले। तो ध्यान देना, मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है वह केवल हमने कंपनी से रिलेटेड बताया है कि कंपनी को बनाते कैसे हैं, उसको बंद कैसे करते हैं, उसमें अल्टर कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे लगाते हैं, जीएसटी फीचर्स कैसे इनेबल करते हैं। लेकिन अब उस कंपनी में हमको काम करना है। क्या करना है? काम करना है, मतलब हमने घर बना लिया है, ठीक है, अब इस पर काम करना है। और काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, उस कंपनी को तैयार तो कर दिए, लेकिन अब क्या करना होगा? तो कहा जाता है कि अगर टैली में या अदर किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर आप मास्टर के बारे में नहीं जानते हो तो आप अकाउंटिंग बेटर तरीके से नहीं कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है टॉपिक हमारा मास्टर। तो देखिए मास्टर के बारे में बताया क्या जा रहा है कि मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। ऐसे अकाउंट होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार करते हैं। इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। और मास्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, मतलब समझने की कोशिश करना, मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। मतलब अगर आप टैली में कोई भी काम करने जाओगे, ठीक है, और कोई भी डाटाबेस स्टोर करके रखोगे, ठीक है, चाहे वो गुड से रिलेटेड हो, चाहे किसी अकाउंट से रिलेटेड हो, या किसी टेक्स से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले आप बनाओ से मास्टर से ही और स्टोर भी मास्टर में ही करोगे, ठीक है। तो मास्टर कंटेनर होते हैं, जैसे कंटेनर नाम सुने बना दो ना, कंटेनर में जो भी क्या करना है रखना रख देते हैं और उसका जब भी जरूरत पड़ता है उसका इस्तेमाल करते हैं, भिजवाना है जहाँ भिजवा दो। वैसे मास्टर है, मास्टर कहता है कि अगर टैली में कोई बेटर तरीके से अकाउंटिंग करना चाहते हो पहले मास्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। और मास्टर को एक बार बनाते हैं उसका प्रयोग बार बार करते हैं। मतलब एक बार हम लेजर को, एक बार उस आइटम को, उस ग्रुप को, ठीक है, उस यूनिट को एक बार जब बना देंगे तो उसका प्रयोग बार बार करेंगे, फिर से दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। अब मास्टर बनाने के फायदे क्या है? जब मास्टर हमारे क्रिएट हो जाएंगे तो उसके हम कोई बाउचर क्रिएट कर सकते हैं। अब बाउचर हम अच्छे से पढ़ाया गया, बाउचर का मतलब क्या होता है सब भूल गया हो, बताइए। पहली में थ्योरी में हमने बाउचर पढ़ाया था, बाउचर मतलब क्या? हाँ, वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा वो लोकेशन होता है जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट किया जाए, जैसा ट्रांजेक्शन रहता हो वैसे वाउचर का प्रयोग कर। मैंने पढ़ाया था, यही भी को बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग वाउचर, तो जो भी अकाउंटिंग करेंगे, पेमेंट, रिसीट, सेल, परचेज, बैंक में पैसा जमा किया, निकाला, वो सारा जो अकाउंटिंग करेंगे तो वाउचर का प्रयोग करेंगे। तो बोला जाता है कि मास्टर के सारे ही हम वाउचर क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट जनरेट करेंगे, ठीक है, और रिपोर्ट जनरेट करने के बाद से हम बेहतर तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं। और कहा जा रहा है मास्टर लेकिन प्रकार के होते हैं, मतलब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मास्टर बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे चार टीचर खड़े हुए, ठीक है, किसी को मैथ आता है, किसी को इंग्लिश आता है, किसी को साइंस आता है, किसी को कंप्यूटर आता है, और आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, तो आप तो दौड़े दौड़े कहाँ पे आओ, कंप्यूटर वाले टीचर के पास ना। वैसे हम लोग टैली में अलग अलग टाइप के मास्टर, ठीक है, जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस मास्टर के पास जाते हैं। अब देखो किसके लिए कहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके टैली में, आपके यहाँ पे नोट में, यहाँ पे बगल में एक स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है, ठीक है, आपको क्या बताया जा रहा है ध्यान देना। अकाउंटिंग मास्टर, देखो टाइप कितने हैं, एक है अकाउंटिंग मास्टर, दूसरा इन्वेंटरी मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टेटरी मास्टर। इन चारों मास्टर का क्या क्या यूज है, यह समझने की कोशिश करना।
अगर अकाउंटिंग मास्टर का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ग्रुप से रिलेटेड काम कर सकते हैं, लेजर बना सकते हैं, करेंसी से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं और वाउचर टाइप से रिलेटेड वर्क किया जा सकता है। मतलब जैसे कोई कहता है लेजर बनाओ तो माइंड में सेट कर लेना अकाउंटिंग मास्टर में जा रहा है, कोई कहता है ग्रुप बनाओ तो अकाउंटिंग मास्टर में जा रहा है, कोई कहता है वाउचर क्रिएट करो अकाउंटिंग मास्टर में जा रहा है, करेंसी से रिलेटेड कुछ चेंजिंग करना हो अकाउंटिंग मास्टर में जा रहा है। मतलब अकाउंटिंग मास्टर में क्या ही वर्क किया जा सकता है, क्लियर है। उसके बाद से इन्वेंट्री मास्टर, इन्वेंट्री का मतलब मैंने पढ़ाया था आपको, कोई बताएगा इन्वेंट्री को सिंपल में, सिंपल शब्दों में क्या कहा जाता है बताइए, इन्वेंट्री को और किस नाम से जाना जाता है, बताया था मैंने, पढ़ाया था, बताया था स्टॉक, और स्टॉक को इन्वेंट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है वह इन्वेंट्री है। मतलब जो इन्वेंट्री मास्टर है आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका ग्रुप क्या है, नेम क्या है, वो सारा जो डिटेल होता है वो इन्वेंट्री मास्टर में दिखाया जाता है और बनाया जाता है। मतलब वो आइटम का ग्रुप क्या है, स्टॉक आइटम का ग्रुप, कैटेगरी कौन सा आइटम है, यूनिट क्या है, गोडाउन लोकेशन क्या है, अगर इससे रिलेटेड सारा काम करना है तो इन्वेंट्री मास्टर का प्रयोग करेंगे। आप कहोगे सर ये क्या मतलब है इसका, तो आगे का टॉपिक ये पढ़ाएंगे, बस इतना समझिए स्टॉक से रिलेटेड कोई भी वर्क करना हो तो कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर में। और अगला है स्टेटरी डिटेल, मतलब स्टेटरी मास्टर का इस्तेमाल जीएसटी से रिलेटेड कोई वर्क करने हो, कुछ फीचर्स इनेबल डिसेबल कुछ बनाने हो, जैसे जीएसटी डिटेल, पेन कार्ड डिटेल, वहां पे क्या करते हैं लोग बनाते हैं, मतलब इसका प्रयोग करते हैं। और एक के बारे में नहीं दिया है क्योंकि जब जरूरत पड़ता है तो अपनी कंपनी इस्तेमाल करती है इस मास्टर का, और इससे सैलरी स्लिप बनता है, क्या बनता है, सैलरी स्लिप तैयार किया जाता है इसके सहारे। और कभी कभी यहाँ पे ऐसे जगह बहुत सारे कंपनियों में सैलरी शीट बनाया जाता है तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम किया जाता है यहाँ पे लोकल क्षेत्र में, कंपनियों में ज्यादा किया जाता है। तो मेन हम लोग का जो टैली इंटरफेस दिया है वह दिया है अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, स्टेटरी मास्टर, इसमें भी मैक्सिमम दो का इस्तेमाल करेंगे, किसका, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री, मतलब इनके अलावा कभी कभी स्टेटरी आ जाएगा और कभी कभी पेरोल मास्टर आ जाएगा, इसके अलावा अगर कोई टॉपिक ठीक है नहीं है, यह मास्टर है और जहां जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस मास्टर का हम लोग एक एक करके प्रयोग करेंगे। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं। तो फिर से देखिए अब मेन आज का टॉपिक क्या है, वो हम लोग का टॉपिक है अकाउंटिंग मास्टर, क्या है बाबू, अकाउंटिंग मास्टर। तो देखिए अकाउंटिंग मास्टर के बारे में बताया क्या जा रहा है और एक एक करके हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत अकाउंट्स, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप एटीसी को रखा गया है। अब चलिए ग्रुप के बारे में क्या बताया जा रहा है, ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर, मतलब एक समान नेचर वाले को एक ग्रुप में रखा जाता है। अब कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना ग्रुप क्यों बनाएंगे, ठीक है, तो ग्रुप का मतलब होता क्या है, जैसे आप बताइए ग्रुप हम लोग बनाते क्यों, बोलो, एक ग्रुप हम बनाते क्यों कि हम आसानी तरीके से, ठीक है, बार बार हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और एक ही बार हम लोग वो मैसेज सबके पास भेज दें। जैसे मान लो एक ग्रुप बनाते हैं, अब 10 हमारे फ्रेंड है, लेकिन तो जानते हो ना एक तो तरीका है रामू को अलग भेजिए, मोहन को अलग भेजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई बात नहीं, एक साथ ऐसा सुविधा रहता कि दोनों के एक साथ भेज देते, ग्रुप बना देते हैं, आप ग्रुप में रख देते हैं, आराम से भेज देते हैं। वैसे ही जब हम लोग कंप्यूटर में काम करेंगे तो बोला जाता है एक समान नेचर वाले को एक ग्रुप में रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप जो व्यापार किए हो तो आपके व्यापार में बहुत सारे कस्टमर आएंगे, क्या आएंगे, और आप किसी से माल खरीदोगे तो बहुत सारे सप्लायर भी आएंगे,
अब ये मत कहना सर कस्टमर क्या होता है सप्लायर क्या होता है, हमने पढ़ाया है कस्टमर आएंगे सप्लायर आएंगे, तो आप बताओ क्या सप्लायर कोई नीचे आएगा क्या? ठीक है, ए मिस्टर ए आ सकते हैं, बी आ सकते हैं, सी आ सकते हैं, डी आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो अगर सब सप्लायर हैं इनका एक ग्रुप रखेंगे, वो रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। क्या रखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर इसको बोलते हैं। ठीक है, जितने कस्टमर आएंगे इनको रखेंगे सन्ड्री डेबिटर। क्या रखेंगे? सन्ड्री डेबिटर। समझे? मतलब लिखना नहीं, नोट में लिया, मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब और चाहे रामू हो चाहे महेश महेश हो, उससे मतलब नहीं है, कस्टमर है तो कहाँ लेके जाना है इसको संडे क्रेडिटर में, अगर सप्लायर है तो कहाँ लेके जाना है संडे क्रेडिटर में। क्लियर है? चलो एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे SBI है, CBI है, PNB है, या अदर कोई भी बैंक है, सब बैंक है जी, तो इसका एक ग्रुप रहेगा मेन क्या? बैंक अकाउंट। क्या रहेगा? बैंक अकाउंट। तो सुना जाता है आपको, किसी को बोला जाता है ग्रुप, तो देखो ये लिखा गया है ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर, अर्थात एक जैसे नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट ग्रुप कहलाता है। जैसे सभी कस्टमर के लेजर को सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में बनाना होता है, जिससे इनको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा होती है। मतलब इसको देख भी सकते हो, मतलब एक बार में कितने कस्टमर है, और अलाउड बनाओगे तो दिक्कत होगी, परेशान होगे, अलाउड रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। तो यह बताया जा रहा है कि एक बार में देख भी सकते हैं और इसका रिपोर्ट भी आसानी तरीके से जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो कुछ समझ में नहीं, पूछ लो उनसे, पढ़ लो मन से, ऐसा करोगे ना इस बैंक को ट्रांसफर कर देंगे दूसरे के नाम से। ठीक है, इतना मेहनत से पढ़ाओ फिर भी कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट जीरो। चलिए नहीं पूछना है, दिमाग लगाओ तो पूछोगे, सब समझ आ गया। चलो ध्यान दीजिएगा, अगला है प्री डिफाइन ग्रुप इन टैली प्राइम। समझना, मतलब टैली में पहले से ही प्री डिफाइन, मतलब प्री डिफाइन ग्रुप का मतलब यह है कि टैली में पहले से बहुत सारे ग्रुप बने रहते, समझे? जैसे मान लो कि कोई काम करने का अचानक करते हो, एक प्री प्लान, मतलब क्या है पहले से प्लानिंग है, वो क्या क्या हमको करना है, मतलब वो अच्छा रहेगा कि तुरंत जाके प्लान बनाओ, वो अच्छा रहेगा, पहले होना बेटर रहेगा। वैसे टैली में कहता है कि लगभग मैं 28 ग्रुप पहले से मैं बना के दे दिया, प्री डिफाइन ग्रुप इन टैली प्राइम, मतलब टैली में टोटल 28 ग्रुप आए जाते हैं पहले से बना है, और इनका इस्तेमाल करके हम अकाउंटिंग कर सकते हैं बेहतर तरीके से किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हो। अब देखो इसमें भी दो कैटेगरी बना दिया गया है, 15-28 में देखो 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप, और यही मैं आपको दिया 2 पेज तो दिया, यही वाला मैं 2 पेज आपको दिया, ये बात उठा लो, इसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया है, अब उसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया, मतलब एक एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, उसमें 5-5, 10-10 एग्जाम्पल दिए गए। क्या मतलब है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तब सीखोगे तो 2-3 भूल जाएगा, अभी कुछ भी याद रहेगा तो आप जवाब दे जाओ। ठीक है, तो इसे इसके पिछले क्लास में जो लड़के पढ़ रहे थे उनको नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने कुछ सोच समझ के मैं सोचता हूँ कुछ हमेशा नया किया जाए, तो आपके लिए मैंने इसको सर्च किया, निकाला, बनाया, टाइम लगा, प्रिंट करके 2 पेज मैंने बर्बाद किया। पिछले क्लास में जो पढ़े थे पूछा ना मिला है कि नहीं मिला, वो जानवे नहीं करें, देखे देखो कहीं कहाँ से नया मिला। ठीक है, तो हमेशा अपडेट किया जाता है टाइम टू टाइम, तो आपको मैं सोचता हूँ कुछ नया पढ़ाऊं, कुछ और भी अच्छे से पढ़ाऊं, लेकिन आपको पढ़ने की इच्छुक ही नहीं हो, समझते नहीं क्या आप मतलब है पढ़ाई का, बताएं जाए, ये गलत बात है। चलिए, तो यह क्या है 15 प्राइमरी और 13 सब, अपन इसका समझना इसका मतलब क्या है, 15 प्राइमरी और 13 सब का मतलब क्या है। जैसे मान लो होता क्या है कि सपोज मान लीजिए
एक सॉफ्टवेयर है कि आप कहीं को काम कर रहे, तो कोई मान लो हम यहाँ पे काम कर रहे जीआईटी में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि 15 हमारे स्टाफ है काम कर रहे हैं, इसमें से कुछ लोग को हमने मेन पावर दे दिया है और कुछ लोगों को उनके अंदर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर ने बोला कि मैं जा रहा हूँ या मैं हूँ, लेकिन मेरी बात पूरा कंट्रोलिंग आपके हाथ में है, ठीक है, और आपके अंदर बहुत लोग काम करें, जो आप कहेंगे वही करें, नहीं करेंगे हमको बताइएगा, उनको हम बाहर निकाल, ठीक है, करेंगे क्या नहीं मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा, ठीक है। तो वही यहाँ पे टैली में थी 15 प्राइमरी बना कर मेन, और उन 15 के अंदर 13 और बना, मतलब 13 जो बना है ना 15 से बेटी, ठीक है। तो इसको सब ग्रुप में रखा गया और उसको प्राइमरी में रखा गया, तो मेन तो ग्रुप हमारे 15 ही, मतलब सारा अकाउंटिंग लोग कर सकते हैं 15 से, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर तो और भी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, काम को आसान बनाने के लिए 13 और ग्रुप बना, लेकिन जो 13 ग्रुप है ना इसी प्राइमरी के अंतर्गत, जो 13 जो ग्रुप और बने हैं ये इसी प्राइमरी के अंतर्गत ही। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता, जैसे आप बताइए, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था क्या कि जो कस्टमर का जो पैसा होता है जो हमको लेना है वो हमारे व्यापार में क्या है। अच्छा क्या सर, तुम बताओ कुछ नहीं, तुम बोलते क्या होता है, क्या चैनल भूल गया, तू कहाँ से याद हो गया। अभी पूछ रहे कस्टमर से जो पैसा हमको लेना होता है वो हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो मैंने बोला है कि जितने कस्टमर का जो लेजर बनाएंगे उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, पढ़ाना संडी डेबिटर क्या रहेगा, संडी डेबिटर, तो जो संडी डेबिटर कस्टमर का जो ग्रुप भर है वो सब ग्रुप है, उसका मेन ग्रुप कौन है प्राइमरी एसेट है, कौन सा एसेट, एसेट तुम्हें मैंने दो पाया, कौन सा एसेट, करेंट एसेट और फिक्स एसेट, कहाँ बताइए कस्टमर का पैसा करेंट एसेट फिक्स एसेट, कस्टमर का पैसा घटेगा पड़ेगा, या तो कैपिटल होगा, या तो एसेट होगा, या तो इनकम होगा, या तो एक्सपेंस होगा, इसके अंदर जो बनाया गया है एसेट है। अब हमको डिसाइड करना कौन सा एसेट है, करेंट है, ठीक है, जिसका मेन एक ग्रुप बना है करेंट एसेट, लेकिन इसका सब ग्रुप भी बना है क्या, सन्ड्री डेबिटर, मतलब जिसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि डेबिटर मतलब उसका कस्टमर, और कस्टमर का पैसा क्या है एसेट, तो पैसा जो भी कस्टमर का होगा किस खाते में जाएगा एसेट वाले में, इसी बोलते हैं प्राइमरी और इसी बोलते हैं सब, हम पढ़ाएंगे हैं सब, लेकिन सब आप लोगों को भूल जाते, पढ़ाएंगे लेकिन सब भूल जाते, ठीक है, क्या कहें हम, ज्यादा बताएंगे तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, ठीक है, और तुम मानते नहीं हो, यही है, हम अपना जिम्मेदारी पूरा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो क्या क्या दिया है, तो कुछ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, तो देखो इसमें क्या क्या दिया, मैंने बोला ना यही सब आएंगे, तो कुछ हम पॉइंट आपको बताते हैं जिनका आपको समझ में आ जाए। जैसे सपोज मान लीजिए, ये देखते हैं कितने लोग बताते हैं, जो बैंक अकाउंट है क्या है, बैंक अकाउंट है, तो आप बताइए बैंक अकाउंट हमारे व्यापार के लिए क्या है, अच्छा कैपिटल हो गया, कैपिटल हमारे व्यापार के लिए क्या है, हमने पूछा है, पांचों में तो कोई एक होगा ना जी, या तो एसेट होगा, या तो लाइबिलिटीज होगा, या तो कैपिटल होगा, या तो इनकम होगा, या एक्सपेंस होगा, कहाँ है एसेट्स है, नहीं पाया था, बैंक और क्या नाम दूंगा मैं पूछूंगा, ठीक है, बैंक क्या एसेट्स है, लेकिन आप बताओ बैंक वाला जो पैसा है कौन सा एसेट है, फिक्स एसेट है, वाह, बैंक वाला पैसा फिक्स रहता है, करेंट एसेट है, आज 5 हजार है, कल 5 हजार हो सकता है, कल 2 लाख हो सकता है, परसों 0 रुपये हो सकता है, और इसका मनी जब तक घटता बढ़ता है, इसीलिए बैंक अकाउंट है
मतलब एसबीआई का जनरेटर बनाएंगे तो ग्रुप क्या रहेगा इसका, बैंक अकाउंट। पीएनजी का जो बनाएंगे इसका ग्रुप क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। लेकिन रियल में अगर कोई पूछे व्यापार के लिए क्या है तो बोलेंगे जो बैंक अकाउंट है ना वो हमारे व्यापार के लिए एसेट है। कौन सा एसेट? करेंट एसेट। इस बैंक को बनाएंगे किसके अंतर्गत? करेंट एसेट के अंतर्गत। यही है सब ग्रुप और यही है प्राइमरी ग्रुप और यह है लेजर। लेजर को कितना रखना है तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। तो इसके लिए हम सब ग्रुप बनाते हैं, वो किससे रिलेटेड है तो उसके लिए प्राइमरी ग्रुप पहले टैली बना के रखा, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है, उसके अलावा दूसरा कुछ बना ही नहीं सकते हो क्योंकि सारा दे चुका है। लेकिन सब ग्रुप आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब तो सर कैसे, जैसे यहाँ पे दिया सन्ड्री डेबिटर, ध्यान से सुनना सन्ड्री डेबिटर। तो जो सन्ड्री डेबिटर है तो अगर कोई पूछता है डेबिटर इतना तो समझ रहे हैं कि डेबिटर वाला पैसा किसका है, अब भूल गए फिर कस्टमर का है। जो सन्ड्री डेबिटर का पैसा जो है तो ये तो सिंपल शब्द में डेबिटर लिख दिया, लेकिन अगर कोई कहता है कि बाबू ऐसे हमको ना बताओ, हमको थोड़ा सा लोकेशन वाइज बताओ, मतलब पड़रौना डेबिटर्स, रामकोला डेबिटर्स, गोरखपुर डेबिटर, दिल्ली डेबिटर, मतलब यह देखो ध्यान देना। मतलब हम चाहेंगे तो सब ग्रुप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मतलब इतने जो है दिए गए ना। आप कौन सा क्यों बनाओगे? तो इनका जो मेन ग्रुप रहेगा वो रहेगा संडे डेबिटर, और इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा करेंट डेबिटर। आपको क्या मतलब है? मतलब यही है कि संडे डेबिटर में पड़रौना सब आ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर पड़रौना पूरा एक एक करके अलग अलग बनाए तो कोई पूछता पड़रौना सिखा दो लेकिन पड़रौना रिपोर्ट देख ले सकते हैं, रामकोला सिखा दो तो रामकोला देख सकते हैं। लेकिन सबको कंसिक्यूटर में रखे तो सबको एक बार देखेंगे और लोकेशन चूज करना पड़ेगा, पड़रौना 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 मतलब छाकना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने बता दिया नहीं ये डेबिटर है, लेकिन कहाँ का है पड़रौना का, इसके ना आगे। अब इसका जो ग्रुप कितना बनाएंगे संडे डेबिटर, और इसका मेन ग्रुप कितना बना है करेंट। यह होता है प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप। अभी नहीं समझ आया? कहाँ समझ, जितना पढ़ा रहे सब भूल जा रहे हो तुम। ऐसा भी मत समझना कि रटने से काम चलेगा, ठीक है? यह नहीं जब डिसाइड कर पाओगे कि एसेट है कि लाइबिलिटीज है कि इनकम है कि एक्सपेंस है तो आप कहीं काम नहीं कर पाओगे, इतना समझ जाना। मुझे शौक है कि एक महीने थ्योरी पढ़ाया था मैंने, ठीक है, टेक्निकल साफ्टवेयर नहीं पढ़ा देता। बोलिए, ध्यान देना, एक महीना मेरा बच जाता दूसरा बैच पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक और सवाल पूछ रहा हूँ, देखते कितना लोग बताते हैं। लिखा है कि लोन एडवांस क्या है, लोन एडवांस, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है स्टॉक इन हैंड। तो आप बताइए, ये हमें पहले बता दिया लोन इन एडवांस एसेट्स, और किसी को ने क्या किया है लोन एडवांस दिया है तो हमारे व्यापार के लिए क्या है, वैसे ही या अगर लेंगे तो मतलब अगर लिया तो लायबिलिटी और लेना है तो एसेट्स, इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए स्टॉक इन हैंड क्या है हमारे व्यापार के, अब दिमाग खुल रहा है, एसेट्स है, लेकिन कौन से एसेट्स है? करंट एसेट्स, करंट करंट के तो पढ़ाई कर रहे हो, चलिए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा हो जाता है लेकिन उतना ज्यादा ना हो कि दिक्कत हो जाए। चलिए तो ये क्लियर हो ना आपको? आप बताइए ड्यूटी एंड टैक्स से है, अभी तो मैं यही याद करवा रहा था आपको कि बाबू याद कर लो और ड्यूटी एंड टैक्स में क्या क्या आ रहा है, तो यही तो मैं पढ़ा रहा था आपको बाबू याद कर लो। सेल्स टैक्स, टीडीएस, वैट, जीएसटी, ये सारे क्या है, एक्साइज, कस्टम, ये सब क्या है हमारे, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस है। लेकिन ड्यूटी एंड टैक्सेस टैक्स तो हमको लेना है क्या, गवर्नमेंट को देना है ना?
लाइबिलिटी है, क्योंकि सब इसी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जब तक आपको डिसाइड नहीं होगा कौन किस में जाएगा, सब खिचड़ी हो जाएगा और काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, कभी दिमाग खोलो, और जितना पढ़ाया हो एक अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग टर्म एक बार फिर से रिवाइज कर लो, अब चाहे वीडियो के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से, सब उपलब्ध है आपके पास, चाहे हमारे वीडियो से या किसी अदर के वीडियो से। ऐसा मैं कोर्स नहीं करता, हमारा वीडियो देखना, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं पे भी पढ़ के आना आप, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए, तब आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। हाँ, इसमें जो नए नए शब्द है उसको बताएंगे क्या किसका मतलब है, लेकिन इतना तो डिसाइड कर लो कि एसेट्स की लायबिलिटी जैसे इनकम के एक्सपेंस है कि कैपिटल है, ये तो मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ। क्लियर है? चलो देखो, ये सिक्योर लोन देखो दिया कि नहीं दिया, अनसिक्योर, बैंक ओडी, संडी क्रेडिटर, प्रोविजन सब मैं दिया हूँ। क्यों दिया हूँ कि रख लो, पढ़ लो, मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन जब तक समझोगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं पढ़ा सकते आप। चलिए, याद करके आइएगा तो और भी डिटेल में हम बताएंगे आपको एक एक करके, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। कल मैं पूरा एक सुनूंगा, तो नहीं बताएगा क्लास में पढ़ा, खड़ा भी नहीं कराऊंगा, ठीक है, कान भी नहीं पकड़ाऊंगा, कल के लिए अपसेंट रहना मेरे तरफ से। पूरा एक बजे पढ़ के आना, कैसे रख लेना हो, दिन भर पढ़ के रखना या 2 मिनट में रखना, कैसे रख लेना। चलिए, यहाँ पे देखो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रखते हैं, वही मैंने वहां पे डिटेल में दिया है। ठीक है, ठीक ना, आपको एक होल्ड कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जाम्पल प्रोप्राइटर, ओनर कैपिटल, पार्टनर, शेयर कैपिटल, समझे? तो उसको हम अलग से दिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक वो करोगे नहीं तो कंप्यूटर पर काम ही नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो पहले वो पढ़ के रख के आइए, तब तो मैं एक एक करके समझाऊंगा कि इसमें क्या लेते हैं। ठीक है, कल का हमारा टॉपिक रहेगा लेजर कैसे बनाते हैं। क्या लेजर कैसे बनाते हैं, मतलब यही से रहेगा, मतलब उसको पढ़िए, याद करिए। ठीक है, तब एक एक करके धीरे धीरे हम आसानी तरीके से काम करेंगे।